जापानीज लैंग्वेज सीख के कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, यानी कि वो कौन सा लेवल हो और उसके बाद वो कौन कौन से तरीके हों जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप एक फ्रेशर हों, आपने और कोई भी कोर्स नहीं किया हुआ है, या फिर आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, या फिर आप एक जैसे फॉर एग्जाम्पल IT इंजीनियर हैं, तो दोनों के अलग अलग पाथ होते हैं, अलग अलग रास्ते होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वेलकम टू न्यू होंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए हम शुरू करते हैं। हम दोनों चीज़ों को साथ साथ लेने की कोशिश करेंगे। चाहे आप बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए हैं जापानीज़ लैंग्वेज में, आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, या फिर आप एक ऑलरेडी जॉब करते हैं या ऑलरेडी एक डिग्री है, क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो दोनों के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। मोर और लेस बराबर ही रहता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में दोनों ही तरीकों को, दोनों ही रास्तों को हम प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस कर पाएँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जापानीज़ लैंग्वेज सीख के कितने पैसे कमा सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल निहोंगो मैक्स इंस्टीट्यूट से ही स्टूडेंट्स जापानीज़ पढ़ के स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20,000 30,000 से ही स्टार्ट करके उन लोगों ने अब 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद अब वो एनुअली यानी कि ईयरली पैकेज लेते हैं 14 लाख 15 लाख 16 लाख। इस तरह से जापानीज़ लैंग्वेज सीख के ही उन्होंने बिना किसी और डिग्री के जॉब ज्वाइन करी और उसके बाद मेहनत से काम करके अपने प्रोफाइल को इतना अच्छा कर लिया है कि अब वो जापानीज़ लैंग्वेज यूज़ करके जापान में भी जॉब कर सकते हैं। तो ये तो बात रही जिन लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी, उन्होंने जापानीज़ लैंग्वेज से ही अपना करियर बनाया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास कोई डिग्री है या वो पहले से कोई काम कर रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा स्किल के तौर पे जापानीज़ लैंग्वेज को सीख के उसको यूज़ करके जापानीज़ MNCs में वो सेम काम करना चाहते हैं, या फिर जापानीज़ MNCs में वो प्रोफाइल लेना चाहते हैं जिसमें सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और मैनेजमेंट लेवल का काम होता है, चाहे वो जापान में हो चाहे वो इंडिया में हो। स्टार्टिंग इंडिया से ही होती है और उसके बाद वो जापान शिफ्ट होते हैं सेम प्रोफाइल में, क्योंकि एक्सपीरियंस, डिग्री और जापानीज़ लैंग्वेज ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जिसकी सैलरी होती है जापान में, अगर हम येन में बात करें तो एक महीने की सैलरी जो 4 लाख या 5 लाख येन से शुरू होती है, जिसमें से अगर सेविंग्स को डिडक्ट कर लिया जाए, जो कि मैंने अपनी nihongomax.com वेबसाइट पर भी सिखाया हुआ है और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर भी मैंने इस तरह के आर्टिकल्स से गाइड किया हुआ है कि अगर आप अपने नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस को 2 लाख येन, जो कि काफ़ी लेविश लिविंग आपको दे सकते हैं, 2 लाख येन में अगर आप उसको एक महीने में कंट्रोल कर पाएँ तो आप 4 लाख या फिर 3.5 लाख येन में से उसको माइनस करके 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख येन बचा सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है वो ऑब्वियसली डिग्री, क्वालिफिकेशन और अच्छी जापानीज़ लैंग्वेज के बाद की बात है। जो लोग ऑलरेडी जापानीज़ लैंग्वेज सीख चुके हैं, उनके पास एक और डिग्री है, एक्सपीरियंस है, जॉब है, वो लोग भी डिस्करेज ना हो, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज उन्होंने सीख ली है इतने लेवल तक की जितने की आपकी हायरिंग हो पाए, जापानीज़ MNC एक्सेप्ट कर पाए कि हाँ जापानीज़ लैंग्वेज का लेवल तो कम है, लेकिन क्योंकि इनकी डिग्री और इनका एक्सपीरियंस इतना है कि हम इनको हायर कर सकते हैं, तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली वर्क के साथ साथ अच्छी होती जाती है, जिससे कि आपकी सैलरी और जापान के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अगर बात करें इंडिया की सैलरी की, तो जैसे फॉर एग्जांपल IT इंजीनियर की बात करें तो बाइलिंगुअल इंजीनियर की पोस्ट होती है जिसमें काफ़ी हाई सैलरी पे होती है, लगभग क्लियर नंबर्स में अगर मैं बताऊं तो 20 लाख से ऊपर का ही पर एनम का यानी पर ईयर का पैकेज होता है, जो कि बाइलिंगुअल इंजीनियर बनने में आपको जापान में काम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है और मोटिवेट भी करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी वैसा होता है। जैसे कि मैंने बताया जापान के अंदर जॉब की सैलरी जो होती है जैसे बाइलिंगुअल इंजीनियर्स की हैं, अगर हम IT की बात करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें, तो आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं, ये अराउंड 7 लाख 8 लाख 9 लाख येन से भी शुरू होती है, अगर एक्सपीरियंस है आपको 4 साल का या 5 साल का, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि काफ़ी पैसा है, काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं जापानीज़ लैंग्वेज सीख के, और साथ में अगर आपका प्रोफाइल है अच्छा सा, ऑलरेडी जॉब आप 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम बिल्कुल फ्रेशर की। अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही तो भी घर बैठे बैठे फ्रीलांसिंग से पैसा कमाने के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि lancers.com, upwork.com, इन पर आप रजिस्टर करके पैसा कमा सकते हैं। और वापस आते हैं हम बिल्कुल फ्रेशर वाली बात पर कि जापान में किस तरह से अपनी जॉब का प्रोफाइल ऐसा बनाया जाए जो कि आपको जापान में इजीली जॉब दिलवा पाए, या फिर अगर आप इंडिया में ही काम करना चाहते हैं तो इंडिया में कहाँ, किस लेवल तक, किस हाइट तक आप जा सकते हैं, किस हाइट तक आप अपनी सैलरी को लेके जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी स्टार्ट किया कि लगभग स्टार्टिंग अगर आपको ये लगे कि 25,000 30,000 क्या होता है, ये तो बिल्कुल वेस्ट है, जापानीज़ लैंग्वेज सीख के तो कुछ भी नहीं मिला मुझे,
तो देखिए इसमें आपके स्किल का और आपके एक्सपीरियंस का भी मैटर करता है। अगर आपके पास कोई और डिग्री नहीं है, सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज सीख के ही अगर आपने जॉब को एक्वायर किया है तो बहुत अच्छी बात है ये। अभी की सैलरी आप मत देखिए, एक साल, दो साल, तीन साल बाद की आपकी सैलरी, आपको आपस में ही बात करके पता चल जाएगा कि वो सैलरी जो है वो 80,000, 90,000, 1,20,000, 1,40,000 तक भी जाती है पर मंथ की सैलरी, अगर आपके पास दो साल का एक्सपीरियंस है। देखिए एक्सपीरियंस मैं क्यों कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस का मतलब होता है जैपनीज लैंग्वेज जितनी आपने सीखी है एक इंस्टीट्यूट में, या फिर आपने अगर सेल्फ स्टडी करी है, जैसे nihongomax.com पर आप सेल्फ स्टडी करके भी एक साल, डेढ़ साल में वो स्किल एक्वायर कर सकते हैं जो कि आपको पहली जॉब दिलवा देगा। तो अगर आपने वो लेवल अचीव कर लिया है तो फिर आपकी जॉब ही आपको जैपनीज लैंग्वेज सिखाती है। अगर आगे की जैपनीज लैंग्वेज आपने किसी इंस्टीट्यूट या मतलब एडवांस जैपनीज लैंग्वेज किसी इंस्टीट्यूट या वेबसाइट से नहीं भी सीखनी तो भी आपको जॉब ही वो एक्सपीरियंस दे देती है, जो कि बहुत मैटर करता है आपकी प्रोफिशिएंसी में, आपके स्किल्स में। तो देखिए अब बात करते हैं फिर से हम कितने पैसे की। देखिए जापान में जैसे कि मैंने बताया कि अगर सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज यूज़ करके, मेरे एक स्टूडेंट है उनका एक्सपीरियंस है कि एक ट्रैवल कंपनी में वो ओसाका में काम कर रहे थे, तो उनको लगभग 30 मान यानी कि 3,00,000 येन एक महीने का मिला था, वो उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी। लेकिन अब उनकी सैलरी है 60 मान यानी कि 6,00,000 येन वो एक महीने का कमाते हैं। उन्होंने कोई भी और कोर्स नहीं किया, सिर्फ जैपनीज लैंग्वेज सीखी और जैपनीज लैंग्वेज में मेहनत करी। इसमें उनको टाइम कितना लगा, देखिए इंडिया के अंदर उन्होंने एक साल काम किया और उसके बाद 3 साल जापान में काम किया है, 3 से भी ज़्यादा हो गए हैं। अब वो कोविड के टाइम में भी वो जापान में ही है, अभी वो जापान में ही है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं कि अगर अभी मुझे अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी पहले ही दिन नहीं मिल रही है तो मैं एक साल काम करता हूँ, दो साल काम करता हूँ, उसके बाद ऑलरेडी इतने कॉन्टैक्ट्स, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं आपको कि आप आराम से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब इन सब के बाद बात करते हैं कैसे कैसे हम इस लेवल तक पहुँच सकते हैं। देखिए JLPT लेवल होता है, जैसे आपको पता ही है N5, N4, N3, N2, N1 लेवल होता है। कुछ स्टूडेंट्स N3 लेवल पर ही जॉब कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट N2 लेवल पर भी जॉब नहीं कर पाते, वो कहते हैं कि देखो सब कंपनीज N2 लेवल मांगते हैं, मेरा तो N2 लेवल थोड़े से ही नंबर से रह गया है, फिर भी मुझे हायर नहीं करा। तो देखिए इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आप अपने आप ही फिल्टर कर सकते हैं। जो मेहनती, जो पॉजिटिव स्टूडेंट्स हैं वो N3 पर ही अपना स्पोकन स्किल लगभग इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाए। इंटरव्यू के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से उनको आंसर करना होता है। बहुत सारा अगर आप बहुत लंबा पैराग्राफ याद करके बोलेंगे तो वो चलेगा नहीं, अगर आप उनके क्रिस्प शॉर्ट आंसर्स रखेंगे और थोड़ा सा जापान का कल्चर भी समझेंगे कि वो चाहते क्या हैं, जैसे टाइम का डिसिप्लिन, वर्क के लिए एकदम कमिटमेंट, तो ये चीज़ें झलकनी चाहिए इंटरव्यू देते टाइम भी। तो ये चीज़ें अगर आपने स्किल अपने अंदर डाल लिया पढ़ाई के साथ साथ तो फिर आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। जैपनीज लैंग्वेज में बहुत डिमांड है, आगे भी आने वाले टाइम में काफ़ी डिमांड बढ़ने वाली है, काफ़ी काम आने वाला है। जो लोग सिर्फ इसी चीज़ में रह जाते हैं कि मुझे जैपनीज लैंग्वेज इतनी कब आएगी कि मैं जॉब कर पाऊँ, इतनी लैंग्वेज मुझे आती है तो मैं जॉब क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो लोग पीछे ही रह जाते हैं और वो छोड़ भी देते हैं जापानीज लैंग्वेज को। तो आप ऐसा ना करिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि जितनी आ गई, चाहे मुझे जॉब नहीं मिल रही, जितनी जापानीज लैंग्वेज मुझे आ गई है उसी को मैं और अच्छा एकदम स्पोकन लैंग्वेज में डाल के अपने खुद के शॉर्ट सेंटेंसेस बना के, अपना खुद का इंटरव्यू लेके, खुद के क्वेश्चन, खुद के आंसर्स बना के, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 1 घंटा आप डेली का देते हैं तो आपके 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत अच्छा इंटरव्यू प्रिपेयर हो जाएगा। और आप वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं, अब तो YouTube पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपको इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कैसे आप ये लेवल एक्वायर कर सकते हैं और वो लेवल कौन सा है, जैसे JLPT N3 या N2, और उसमें मुझे टाइम कितना लगेगा। तो देखिए N3 और N2 के बीच के लेवल की अगर हम बात करें तो लगभग 1 साल लगेगा आपको, अगर आप डेडिकेटेडली बिल्कुल सारे काम छोड़ के डेली 2 घंटे 3 घंटे, फिर उसके बाद 1 घंटा प्रैक्टिस भी पढ़ते हैं, और अगर आप थोड़ा मतलब कोई और काम कर रहे हैं, किसी जॉब में बिजी हैं या फिर दूसरा भी कोई और कोर्स किया हुआ है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है आपके डेडिकेशन कितनी है, पैशनेट आप कितने हैं उसके लिए, और अल्टीमेटली बात होती है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे जॉब लेनी है तो देखिए N3 लेवल तक जाके थोड़ी सी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करके
इतना भी मुश्किल नहीं है एक जॉब को लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप बिना किसी इंस्टीट्यूट जाए जापानीज लैंग्वेज को घर बैठे सीखना चाहते हैं, अपना जो भी आपका फ्लेक्सिबल टाइम है उसके हिसाब से सीखना चाहते हैं, तो जाइए nihongomax.com पर, जहां पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, बिजनेस लैंग्वेज से लेकर काइवा तक, N5 से लेकर N1 तक सभी कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है हिंदी लैंग्वेज में, जिसमें इंस्टीट्यूट्स की भी इंफॉर्मेशन से ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप जाकर देखेंगे तो। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे रिलेटेड वीडियोस को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि जॉब के लिए क्या ज़रूरी है, इंटरव्यू किस तरह से क्लियर होता है और जापानीज लैंग्वेज को फास्ट कैसे सीखा जाए, ये बताने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। थैंक यू सो मच।